अरे पीछे रहो, इधर पीछे खड़ा है। तेल ले गया, तेल तेल ले गया, जला दे भाई, कैसे भाई कुछ और आखिर जमा लग जाए। अरे लेकिन ये कैसे हो जाएगा, अभी बाद में बताते, अभी बाद में नहीं तो छूट जाएगा। अभी गलती से निकल गया तो हम लोग जाए। कौन जलाएगा मुझे? तुम मुझे कभी नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि मैं कभी जलता ही नहीं हूँ और ना मरता हूँ। ट्राई करके देखते हैं। हर किसी के शरीर में मैं बसता हूँ, समझ गए? अगर मुझे क्रोध आ गया तो सबको भस्म कर दूंगा। राखी जी ऐसा ऐसा लग रहा, आप रो रही हो, हंस तो मीम बनेगा तेरे ऊपर यार। पहले रावण के लिए कुछ लाए कि नहीं? पटाखे रात को तो जल जाना है, मर जाना है, फिर कल सुबह फिर से उड़ जाना है। बाहुबली सब लोग सबसे ज्यादा रावण की पूजा करते हैं। मुझे पूजा जहाँ होती है वहाँ होती है, यहाँ राम। अभी आप यहाँ खड़े हो, आप शादी शुदा हो? अभी एक आइटम साइड से निकल गई, रावण वाला पैदा हुआ जाता है। हाँ, रावण का रावण तुरंत बाहर आ जाता है। देखा आप लोगों ने, वो रावण मरेगा नहीं, वो नहीं थे। सब नाटक करते रोज जलाने का, हर साल जलाने का। जो कर्तव्य है जलाया, वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अंदर वो बना रहता है, जिंदा रहता है, कभी मरता ही नहीं, कभी नहीं मरेगा। इसलिए आज मैं रावण का रूप धारण करके आई हूँ के सचमुच अगर आप लोग रावण को जलाना चाहते हो, मारना चाहते हो, तो उसको हमेशा के लिए अपने अंदर से निकाल के फेंक दो। दूसरों की बीवियों पर नजर मत रखो, दूसरों की गर्लफ्रेंडों पर नजर मत रखो, और छोटे छोटे बच्चियों पर, इन पर बख्शो। ये रावण को बाहर आने मत दो। वो मेरी भी जिंदगी में रावण ने काम किया है कि नहीं? मेरी भी जिंदगी में मेरे एक्स थे, इतनी अच्छी बीवी मिलने के बावजूद उन्होंने दूसरी औरतों पर कुदृष्टि करी, बुरी नजरों से देखा रावण ने, है कि नहीं? अपने आप को सुधारो, फिर मुझसे सवाल करो। ये बेहुदा सवाल, क्या बात है, मजा आ गया। वरना ये जो गदाधारी है ना, ये गदा वाला वाला वो आ जाए, ये तो पिछवाड़े में मारूंगी और ये सर पे मारूंगी।